हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉगरिदम। और उसका हम बेस से स्टार्ट करेंगे। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं वो ये वीडियो जरूर देखे। और ये अप्लाइड मैथ्स हमने लिखा है बिकॉज इट इज़ इन द करिकुलम फॉर 11th स्टैंडर्ड। अदरवाइज ये 11th स्टैंडर्ड में ICSE बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में, सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप CUT प्रिपेयर कर रहे हों, चाहे आप CA का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हैं, किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो लॉगरिथम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अप्लाइड मैथ्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका बिजनेस मैथ्स है, चाहे आप फाउंडेशन कर रहे हैं, फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू नीड दिस टॉपिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। वॉट डू यू मीन बाई लॉगरिथम्स? सो इफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू एन, देन एक्स इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ एन। मतलब जो पावर है उसको आप लॉगरिथम बोलते हैं। कैसे? लॉगरिथम ऑफ एन टू द बेस ए। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखिए, अगर आपके पास 2 raised to 5 इज 32, ये तो आप सबको पता है। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को इस के अकॉर्डिंग लिखें तो हम क्या लिखेंगे? लॉग, बेस क्या है? 2, तो यहाँ भी बेस 2 ही आएगा, राइट? वी राइट इट एज लॉग टू द बेस 2 एंड ऑफ 32, करेक्ट? और हमारा आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो पावर इज योर आंसर, इसीलिए लॉग इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कोई बोलेगा 2 raised to 1.1 क्या होता है तो आपको नहीं पता, बट आप जो आंसर निकालते हैं लॉग में वो पावर का निकालते हैं। तो आंसर आपका डेसिमल्स में भी आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो लॉग, हाउ डू यू स्पेल इट आउट कि आपने ये जो लिखा है? सो लॉग 32 टू द बेस 2 का आंसर क्या है? 5। अभी आपको एक छोटा सा और पूछते हैं। लॉग 5, अगर हमारे पास बेस 5 है, सो लॉग ऑफ 125 कितना होगा विद बेस 5? तो आपका आंसर एक सिंपल सा आंसर बन जाएगा कि हमारे पास होगा 3, बिकॉज 5 क्यूब कितना होता है? 125 होता है। सो लॉग 125 विद द बेस 5 इज 3। सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, इफ ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू एन, लॉग एन टू द बेस ए इज एक्स। और रिवर्स भी ट्रू है इसका, करेक्ट? सो दैट इज वॉट वी हैव। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हमारे एक्सपोनेंट्स पे ही बेस्ड है वो क्या है? लॉग विद बेस ए अगर है आपके पास, सो लॉग 1 का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि आपको पता है कि 2 raised to 0 क्या होता है? 1। तो कोई भी बेस हो आपका, 10 raised to 0 क्या होता है? 1। 20 raised to 0 क्या होता है? 1। तो आपके पास ए की जगह अगर कोई भी बेस है तो ऑलवेज द आंसर विल बी लॉग 1 का आंसर हमेशा क्या होगा? 0 होगा। तो लॉग 1 की वैल्यू तो आप याद रखिए हमेशा, इट विल बी 0। सेम बेस है और सेम वैल्यू निकालनी है तो आंसर क्या होगा? 1, बिकॉज वी नो 10 raised to 1 इज 10, 2 raised to 1 इज 2। कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 1 है तो आंसर सेम होता है। तो आपके पास नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है, सो वैल्यू इज ऑलवेज 1, राइट? नेक्स्ट क्या है आपके पास? लॉग 0 विद बेस ए, कोई भी बेस ए है विद, बट ए हैज टू बी ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या है आपके पास? माइनस इन्फिनिटी। अब ये माइनस इन्फिनिटी का क्या लॉजिक है? देखिए, ए रेज टू माइनस इन्फिनिटी अगर हम लें अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। नाउ ए रेज टू माइनस इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हैं? 1 upon a raised to infinity, और ए रेज टू इन्फिनिटी हमारे पास होता है इन्फिनिटी, सो 1 upon infinity 0 होता है। सो दिस इज व्हाट वी गेट, करेक्ट? सेम वी हैव द फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग इन्फिनिटी टू द बेस ए इज ऑल्सो इन्फिनिटी। सो लॉग इन्फिनिटी टू द बेस है, इसका क्या मीनिंग है कि ए रेज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से। सो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, सो दिस इज वॉट वी हैव हियर। सो अभी हमारे पास ये 4 बेसिक डायरेक्शंस है, करेक्ट? नाउ वी मूव टू सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। पहले को हम प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं, सो लॉग बेस ए, अभी हम ए की बात कर रहे हैं, कोई भी बेस हो सकता है, 2, 3, 4, 10, ई, कुछ भी, एम एन, 2 नंबर्स अगर प्रोडक्ट में, एंड मोर देन 2 भी हो सकते हैं, 3 नंबर्स अगर प्रोडक्ट में हैं, 4 नंबर्स अगर प्रोडक्ट में हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ऐड करके लिखेंगे, लॉग एम एंड लॉग एन टू द बेस ए ऑफ कोर्स, क्योंकि ए बेस हमारा लेफ्ट साइड पे भी है। तो इसका अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, सो लॉग अगर हमने बेस 10 लिया, सो 2 into 3, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? लॉग, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी क्या बनना चाहिए? लॉग 2 टू द बेस 10 प्लस लॉग 3। तो प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है? एडिशन में चेंज हो जाता है, सो दैट इज व्हाट इट इज देयर। सो लॉग टू द बेस
10 फॉर 2 एंड 3 दोनों एडिशन में आ जाएंगे। अब हमारे पास m by n दो फंक्शंस, अगर हमारे पास दो नंबर्स अगर हमारे पास लॉग के साथ हैं विद सम बेस एंड दे आर इन डिवीजन और क्वेश्चन, तो अगर हम इन्हीं 2 और 3 को ले लेते हैं, सो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग बेस 10 2 माइनस लॉग बेस 10 3, तो ये हमारे पास बन गया क्वेश्चन फॉर्मूला। तो डिवीजन वाला सब्ट्रैक्शन में आता है, प्रोडक्ट वाला एडिशन में आता है। नाउ पावर रूल, दैट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने आपको दिया लॉग बेस 10 2 रेज टू 3, पावर में है m रेज टू n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, द पावर विल कम इन मल्टीप्लीकेशन, n हमारा मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, चेक करिए। सो इसका आंसर क्या बन सकता है, 3 log 2 विद द बेस 10 ऑफ कोर्स एंड देन बेस ऑफ चेंज फॉर्मूला। अगर आपके पास सपोज दिया गया है log 2 का बेस है, करेक्ट, log 7। अब एक्चुअली हम जब कैलकुलेशंस करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो हर बेस के लिए नहीं होती है, वी हैव मोस्टली फॉर द बेस e, नेचुरल log जिसको हम बोलते हैं, एक कॉमन log है हमारे पास। तो log मुझे बेस सेम बनाना है, कोई क्वेश्चन दिया है, तो इफ आई मेक द बेस 10, सो आई कैन राइट इट एज log 2 विद द बेस 10 इन द डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बेस था 2 और जो हमारा नंबर है उसका आएगा न्यूमरेटर में। सो दिस इज व्हाट दिस प्रॉपर्टीज, ये चार प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से आती हैं, इनके क्वेश्चंस भी आप कर पाते हैं, दिस इज व्हाट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड एनी एग्जाम वेयर यू हैव लॉग, करेक्ट, ये चार प्रॉपर्टीज उसका बेस है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, अभी हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, राइट। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास जो बेस होता है वो मोस्टली 10 होता है या नेचुरल लॉग होता है, उसका क्या मीनिंग है, तो दो सिस्टम होते हैं लॉग के हमारे पास। तो जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो आप यूज़ करते हैं नेचुरल लॉग या फिर कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग का मतलब है बेस ई। अब ये ई क्या है, ई तो आपने कभी पढ़ा नहीं। ई की जो वैल्यू होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.7182। सो ई रेज टू एक्स अगर वाई है, तो अगर आप इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग विद द बेस ई of y is equal to x. So log y to the base e is x. So now this is important because ये natural log है. Natural log को mostly we write with ln also, students. ln अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि it is with the base e, right? But हर book में नहीं होता है, it's not compulsory, but you should know that because that's a standard way of representing natural logs. Common logs में हमारे पास base हमेशा 10 होता है, always. सो एक सिंपल रिजल्ट जो हमने पहले डिडक्शंस किए उसकी बेसिस पे कि 10 रेज टू 0 क्या होता है 1, सो इसलिए log 1 विद द बेस 10 इज ऑलवेज 0 और log बेस विद ऑफ टू द 10 इज ऑलवेज 1 बिकॉज 10 रेज टू 1 इज ऑलवेज 10। तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो नेचुरल log इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग सो, बट याद रखिए e का वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 2.7182, नॉट एक्जैक्ट बट अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो ये दो सिस्टम्स है। अब थोड़े से हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स को सीखा, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। तो अभी आपको लगेगा इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, बट आंसर्स आर वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर द प्रॉपर्टीज दैट वी हैव डन, ओके। नाउ चलिए अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इसको करने के बहुत सारे वेज हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट, हम आपको एक सिंपल से वेज दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे बेस ई 3 है, करेक्ट, तो अभी हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास नंबर्स आए वो भी 3 में आए, 3 की पावर्स में आए फर्स्ट क्वेश्चन में। सो 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब, 729 का रूट है, सो 729 रेज टू हाफ, लेकिन 729 को भी क्या हम 3 के बेस पे लिख सकते हैं, यस, सो राइट इट, सो 3 रेज टू 6, करेक्ट, सो 3 रेज टू 6 हो गया, सो इट कट्स आउट, सो 3 रेज टू 3, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट्स, जब बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी आपके पास, करेक्ट। नाउ यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा लॉग का, लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा m रेज टू n वाला। तो हमारे पास प्रोडक्ट पावर से किस में आ जाएगा, पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा लॉग m के साथ, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का जो पावर है 6, दैट विल कम इन मल्टीप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज दिस, ये हमने डिडक्शंस में लिखा है, अगर हमारे पास बेस भी सेम है और नंबर भी सेम है तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1, सो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, 6, सिंपल सा क्वेश्चन है।
सो आंसर इज वेरी सिंपल, ये सब एमसीक्यूज में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया या आपका 11th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो गया. सो दिस इज व्हाट वी हैव, सो सिंपल एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन यू इन एन इजी वे, करेक्ट. अभी नेक्स्ट वाला करते हैं. अभी यहाँ पे बेस कितना है हमारे पास, 10 है. सो लॉग टू द बेस 10, क्यूब रूट ऑफ 100 दिया है. अब क्यूब रूट ऑफ 100 तो आप बोलेंगे कोई आंसर ही नहीं होता, कोई बात नहीं, पावर्स में कर लेते हैं, सेम प्रॉपर्टीज वी विल यूज का मतलब. सो 100 रेज टू 1/3, तो अभी 100 को हम 10 के बेस पे लेके आएंगे, सो 10 स्क्वायर हो जाएगा. पावर विल कम इन मल्टीप्लीकेशन ऑन अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी अगेन. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2/3 लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 10. तो अगेन इसका आंसर क्या होगा, 1, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ओनली. सो आंसर हो गया हमारे पास 2/3. बहुत सिंपल सा है, कितने बड़े बड़े नंबर्स हमको दिख रहे थे. अभी फिफ्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 बेस पे है, वो भी हम सेम वे में सॉल्व करेंगे, राइट. अब तो आप लोगों को ईजी लग रहा होगा, करेक्ट. सो 25 रूट 625, ये सारे 5 के बेस पे हम लिख सकते हैं, राइट. क्यूब रूट ऑफ 125 25 625 125, ये सब हम 5 के बेस पे लिख सकते हैं. तो हमें वही करना है, लॉग विद द बेस 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 625 को हम लिख सकते हैं 5 रेज टू 4, लेकिन पावर हाफ भी होगा उसका, और इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू 3 और 1/3. अभी हमें इसको रिड्यूस करना है, तो ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो क्या आंसर बना हमारे पास, लॉग टू द बेस 5, 5 रेज टू 4 और 5, तो क्या बन गया हमारे पास, लॉग विद बेस 5, 5 क्यूब. नाउ यूज दिस प्रॉपर्टी अगेन, सो वी गेट 3 log 5 with base 5. सो ये तो हो गया 1, सो आंसर हो गया 3. सो दिस इज हाउ डू वी यूज द प्रॉपर्टीज, बहुत से सिंपल वे में, कोई आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी. लॉग इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अभी हमें यहाँ में एक्स का वैल्यू निकालना है, दोनों साइड पे देखिए लॉग दिया है. अब हमें कुछ तो प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, इन टर्म्स को या तो इक्वेट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करते हैं. देखिए जो हमने आपको फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मूला दिया है, सो क्या फॉर्मूला दिया था हमने आपको, कि प्रोडक्ट में अगर दो फंक्शंस हैं तो उनको हम एडिशन में लिख सकते हैं. तो इसका रिवर्स भी ट्रू है बिकॉज इट्स एन इक्वेशन. सो अब हम जाएंगे लेफ्ट से राइट में, यहाँ पे एडिशन में दिया है तो इसको हम चेंज किस में कर सकते हैं, प्रोडक्ट में. यहाँ पे आप सोचेंगे बेस तो नहीं दिया, जब बेस नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं ई है बेस या फिर 10 है बेस, करेक्ट. सबका सेम है मतलब, करेक्ट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू. तो अभी हमने एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन का प्रोडक्ट आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट कम्स एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो चलिए अभी ऐसे ही कुछ हम यहाँ भी कर लेते हैं, लॉग 11, एक स्टेप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेते हैं. नाउ 2 log 3 को आप क्या लिख सकते हैं, अब रिवर्स जा रहे हैं हम सब कुछ. सो 2 log 3 को हम अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रिवर्स जाएंगे, तो लॉग 3 स्क्वायर बन जाएगा, और लॉग 3 स्क्वायर क्या होता है, 9, करेक्ट, लॉग 9 हो गया. सो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब अगेन हम यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो लॉग 99, लॉग लॉग इक्वेट हो सकता है, जैसे पावर्स इक्वेट होती हैं, बेस अगर सेम होता है तो सेम थिंग इज हियर, करेक्ट. सो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज 99, सो एक्स स्क्वायर इज 100, सो आंसर इज 10, करेक्ट. नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है लिखना कि हम एक्स इज इक्वल टू माइनस 10 को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लॉग में ध्यान रखिए हमें पॉजिटिव नंबर्स का ही लॉग होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो नेगेटिव होगा तो लॉग माइनस 9 हो जाएगा, लॉग माइनस 11 हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, करेक्ट. सो दिस इज हाउ वी गो, सो वॉट इज द आंसर, 10. ये बहुत, ये है भी हमारा कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन, आप देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स, तो एम एस सी टी में इट्स हैज कम, करेक्ट, फाउंडेशन कोर्सेज में इट हैज कम. नाउ वी कम टू दिस, अब हमें इक्वेट करना है राइट साइड को लेफ्ट साइड से, प्रूफ करना है. तो अभी हमें ऑफकोर्स लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो विल सॉल्व दैट. तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर मेनी वेज कि आप प्रॉपर्टी को कैसे लगाते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं आप चाहें तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. कौन सा प्रॉपर्टी, पावर को हम लेके जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो रिवर्स प्रॉपर्टी लगाएंगे. कौन सा लगा रहे हैं हम, लॉग एम रेज टू एन इज एन लॉग एम, इसको रिवर्स लगा रहे हैं, करेक्ट. सो लॉग 16/15 रेज टू 7 हो गया. सेम वे वी अप्लाई हियर एंड सेम वे वी अप्लाई हियर,
ठीक है, अभी ये सब एडिशन में है, तो ये सब हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? लॉग एम एन, कोई भी बेस हो आपका। सो लॉग एम प्लस लॉग एन, हम अगर बेस ए ले रहे हैं तो वो लिखना जरूरी है, अदरवाइज लीव इट। सो लॉग 16 रेज टू 7, 15, 25 रेज टू 5, 4 रेज टू 5, 81 रेज टू 3, 80 रेज टू 3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है जैसे हम हमेशा करते हैं फ्रैक्शंस को यूज़ करके। चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो हमारा कट हो रहा है हम उसको कट कर देते हैं। तो ये बन सकता है हमारा 4 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको 2 के टर्म्स में लिख देते हैं। सो 2 रेज टू 4 तो 2 रेज टू 28 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज टू 7, 5 रेज टू 7, इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट, 25 को। तो ये बन जाएगा 10, इसको बन सकता है 2 रेज टू 10, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू 4, तो ये बन गया 3 रेज टू 12, 80 को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 80 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, 16 और 5, 16 होता है 2 रेज टू 4 और इंटू 5, तो अभी आप लगा दीजिए। सो 2 रेज टू 12, 4 थ्री ज़ार 12 और 1 5 क्यूब। अब हम कैंसिल कर देते हैं जो कैंसिल हो रहा है, करेक्ट, सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स कैंसिल इट आउट, एक बार चेक कर लेते हैं हमने सारा ठीक से किया है, कोई हमारा नंबर रह तो नहीं गया है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर हमारा रह जाएगा तो वो हमें फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पे हमने गलत कॉपी कर दिया, ये 24 है। ओके, तो ये 24 है, तो यहाँ पे हमारे पास और नंबर्स आएंगे। तो 24 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 3 × 8, तो 3 × 2³ होता है। अभी हम इसको लिख देते हैं 3 रेज टू 5 और 2 रेज टू 15। चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं। 5 के पहले ले लेते हैं, 5 रेज टू 10 है, यहाँ पे 7 और 3 है तो ये भी 10 हो गया, कट हो गया। 3 की पावर 12 है, यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ भी 12 है तो ये भी कट हो गया। अभी बात आती है 2 की, तो 2 रेज टू 28 है, यहाँ पे 15 और 12 है, तो पावर्स ऊपर जाएंगी, पॉजिटिव पावर्स, तो दे विल बिकम नेगेटिव। सो नाउ लॉग 2 28 माइनस 27, दैट इज लॉग 2 एंड विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। ठीक है, कितनी इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अभी यहाँ पे क्या है, ये बेस 9 भी है, 27 भी है और प्रूफ करना है सिर्फ 5/6। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चेंज ऑफ बेस का रूल। तो अभी हम लिख सकते हैं इसको लॉग 27/9, करेक्ट। बेस हम 3 ले लेते हैं। अब ये क्यों ले रहे हैं, आपको कैसे पता मैम बेस 3 ही लेना है? बेस 3 हमने इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास जो 9 और 27 है कि कॉमन फैक्टर क्या है, इनका एचसीएफ क्या कॉमन है, तो दैट इज़ 9, करेक्ट। बट 9 को भी हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, 3 में रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हमने 3 बेस ले लिया, करेक्ट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3³, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3² आप 9 बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। सो नाउ 3³, बस अपना प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। अब हम लॉग एम रेज टू एन, करेक्ट, एन लॉग एम बन जाएगा, करेक्ट। सो 3 log 3, 2 log 3, अब ये दोनों कट हो सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी गो। सो हियर इज योर क्वेश्चन एंड इट इज इजीली सॉल्व, राइट। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा, सारे टर्म्स चले गए, हमारे पास सिर्फ ये 2 फ्रैक्शंस बचे जो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट विल गिव यू द आंसर 5/6। सो दिस इज हाउ वी प्रूव इट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड डब्ल्यू 8 वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमको। ये बहुत सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को तो हम रिड्यूस करेंगे, किस पे, देखिए क्या करना है, यहाँ पे बेस ए दिख रहा है तो हमें लॉग बेस ए लेना पड़ेगा कहीं तो, करेक्ट। तो चलिए लॉग बेस ए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर हम सबको लॉग लेके अगर सॉल्व करें विद बेस ए, तो हम फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, सबके साथ हमने लॉग ले लिया, ओके, और किसके साथ, बेस ए के साथ।
क्या हम ऐसे कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं, हमने लॉग ले लिया एंड नाउ वी कैन इंट्रोड्यूस। नाउ अभी हम फर्स्ट वाले को क्या लिख सकते हैं, एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये बन जाएगा सिंपल एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पावर, कोई भी बेस हो आपके पास, तो एन लॉग एम, करेक्ट। नेक्स्ट वाला क्या बन सकता है, और लास्ट वाला क्या बन सकता है, सी, करेक्ट। अब हम एक एक करके इनको इक्वेट कर देते हैं, तो इससे लॉग बी का वैल्यू क्या आ जाएगा विद बेस ए, एक्स अपॉन वाई। अभी हम फिर से फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर देते हैं, तो लॉग सी का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स अपॉन जेड। और अगर हम इसको इक्वेट कर देते हैं क्या वैल्यू आ जाएगा, अब हमें इन तीनों का करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये तीनों प्रोडक्ट में है बी सी डी, सो दिस दिस दिस, हम इसको क्या करें, ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन के बाद ही प्रोडक्ट में आएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं ले सकते हम। सो वी विल ऐड द थ्री इक्वेशंस, एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन जेड एंड एक्स अपॉन डब्ल्यू, करेक्ट। अभी नाउ इट विल टर्न इनटू व्हाट, प्रोडक्ट, इट विल टर्न इनटू व्हाट, प्रोडक्ट, करेक्ट। अब ये प्रोडक्ट में टर्न हो सकता है फ्रॉम एडिशन टू प्रोडक्ट, सो व्हाट विल यू गेट, लॉग टू द बेस ए बी सी डी। यहाँ पे हम एक्स कॉमन ले सकते हैं, सो दैट गिव्स यू अवर राइट हैंड साइड। तो हमें सिर्फ फॉलो करना है व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सो दिस वाज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑन लॉगरिथम। आई होप द बेसिक प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू ऑल। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।